हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको लीप ईयर का प्रोग्राम बताने वाला हूँ असली लैंग्वेज में। तो मैंने लास्ट वीडियो में ये बताया था कि कैसे ट्राइगोनी की सीरीज और डिस्प्ले किया जाता है। तो इस वीडियो इस कोड को मैं डिलीट कर रहा हूँ। तो लीप ईयर के लिए सबसे पहले एक इंटीजर वेरिएबल लेना पड़ेगा, उसका नाम देते हैं ईयर। उसके बाद यहाँ पे प्रिंटर फंक्शन लिखते हैं। तो यहाँ पे डबल कोट के अंदर मैसेज प्रिंट कराते हैं इंटर द ईयर। फिर इसके बाद यहाँ पे हम स्कैनर फंक्शन लिखते हैं और परसेंट डी, उसके बाद एम परसेंट ईयर यहाँ पे लिखते हैं। उसके बाद यहाँ पे इफ स्टेटमेंट का यूज करते हैं। यहाँ पे ईयर मॉड ऑपरेटर का यूज करते हैं, ईयर मॉड 4 डबल इक्वल टू 0। उसके बाद यहाँ पे एंड ऑपरेटर, ईयर मॉड 100 नॉट इक्वल टू 0। उसके बाद यहाँ पे और ऑपरेटर का यूज करते हैं, ईयर मॉड 400 डबल इक्वल टू 0। बस अगर ये कंडीशन सही रहा तो यहाँ पे प्रिंट कराते हैं प्रिंट ऑफ स्टेटमेंट का यूज करके और परसेंट डी, उसके बाद लिख ईयर। उसके बाद प्रिंट कराते हैं ईयर को। उसके बाद एज स्टेटमेंट का यूज करते हैं और प्रिंट, और यहाँ पे परसेंट और डी नॉट ले ईयर और ईयर को प्रिंट कराते हैं। तो ये है कोड जिससे हम चेक करेंगे कि कोई ईयर लीप है और नहीं। तो चलिए इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो यहाँ पे हम इंटर करते हैं 2016। तो ये कह रहा है 2016 लीप ईयर। अगर हम यहाँ पे 2017 इंटर करते हैं तो क्या है 2017 नॉट लीप ईयर। अगर यहाँ पे हम 2010 इंटर करते हैं तो ये क्या है, ये लीप ईयर नहीं है। तो चलिए इस प्रोग्राम को ट्राइंड मेथड और देखते हैं। आगे हम इस प्रोग्राम को ट्राइंड करने जा रहे हैं। तो अगर इस प्रोग्राम को आप डिबग कीजिएगा तो सबसे पहले कंट्रोल या मेन फंक्शन के पास जाएगा, उसके बाद ही अंदर आएगा। तो यहाँ पे इंटीजर वेरिएबल मैंने लिया ईयर, उसके बाद प्रिंटर फंक्शन है तो जो कुछ भी डबल कोट के अंदर है ये डिस्प्ले करेगा आउटपुट स्क्रीन पे, और स्कैनर फंक्शन है तो जो कुछ भी इंटर करते हैं वो ईयर रिसीव करेगा। तो लीप ईयर होता है 2016, 2020, 2024, 2020 एक्सेट्रा। तो हम ईयर में इंटर करने वाले हैं 2024। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं लीप ईयर। उसके बाद यहाँ पे इफ स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे ईयर मोड 4, तो 2024 यहाँ पे मोड ऑपरेटर हम यूज कर रहे हैं, तो ये 4 से डबल इक्वल टू 0। तो ये देखिए, अगर हम इस नंबर को इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 आएगा। तो ये देखिए, ये 4 5 बार 5 टाइम्स में ये कट जाएगा, उसके बाद यहाँ पे 0, उसके बाद ये 6 टाइम में ये कट जाएगा, 4 इंटू
चार छः चौबीस, तो 50 और 6 टाइम में ये पूरा का पूरा डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे रिमाइंडर इसका 0 आएगा, तो ये कंडीशन ट्रू है। उसके बाद एंड ऑपरेटर यूज कर रहे हैं और ईयर नॉट मॉड 100 नॉट इक्वल टू 0, तो ये देखिए 2024 है। अगर इसका मॉड, तो इसको हम डिवाइड करेंगे 2024 बाय 100, तो ये यहाँ पे इसका रिमाइंडर यहाँ पे 24 आएगा, ठीक है। तो 24 डबल इक्वल टू 0 जो कि सही नहीं है, तो ये भी कंडीशन ट्रू हो गया। और इसके बाद ईयर मॉड 400 डबल इक्वल टू 0, तो ये 4 से कट ही गया, तो जाहिर से बात है 400 से भी कटना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 2024, तो यहाँ पे हम 400 डाल रहे, तो ये 4 से हम काटते हैं तो ये 100 आ गया। आइए यहाँ पे 506, उसके बाद इसको इसको डिवाइड करेंगे तो ये 5 आएगा, यहाँ पे रिमाइंडर 6 आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे रिमाइंडर 6 आ रहा है, तो 6 डबल इक्वल टू 0 जो कि कंडीशन ये फॉल्स है। तो यहाँ पे ट्रू, यहाँ पे एंड ऑपरेटर यूज कर रहे हैं और ऑपरेटर यूज कर रहे हैं। तो चलिए हम थोड़ा सा एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर के बारे में बता देते हैं। तो अगर यहाँ पे ट्रू और यहाँ पे ट्रू, तो यहाँ पे अगर हम एंड ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं तो वैल्यू यहाँ पे ट्रू आएगा, और किसी और केस में ट्रू एंड फॉल्स, तो यहाँ पे ये वैल्यू फॉल्स आएगा। किसी और केस में फॉल्स एंड ट्रू, इसका ये वैल्यू फॉल्स आएगा, फॉल्स एंड फॉल्स, तो वैल्यू क्या आएगा, फॉल्स आएगा। अगर आप और ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं, ट्रू और ट्रू, तो इसका वैल्यू ट्रू आएगा, और ट्रू और फॉल्स, इसका ये वैल्यू ट्रू आएगा, और फॉल्स एंड ट्रू, उसका ये वैल्यू ट्रू आएगा। सिर्फ एक केस में फॉल्स रहेगा और वैल्यू फॉल्स रहेगा, तब इस केस में वैल्यू फॉल्स रहेगा सर। तो ये ट्रू टेबल एंड और ऑपरेटर। तो ये देखिए यहाँ पे ट्रू एंड ट्रू, इसका वैल्यू ट्रू आएगा, ट्रू एंड फॉल्स, वैल्यू ट्रू आएगा, और यहाँ पे अगर हम ट्रू एंड फॉल्स करते हैं तो ये वैल्यू ट्रू आएगा, एंड ट्रू एंड ट्रू, इसका वैल्यू, ये दोनों का वैल्यू ट्रू आएगा। तो कंडीशन जो कि सही है, तो ये इफ के अंदर जाएगा, यहाँ प्रिंट 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 ऑफ स्टेटमेंट हम लिखे हैं, सॉरी प्रिंट ऑफ फंक्शन है, यहाँ पे परसेंट डी ईयर के लिए है, तो ईयर का हम इंटर किए 2024, तो यहाँ आउटपुट आएगा 2024 लिखिए, तो 2024 है। अगर हम यहाँ पे 2025 इंटर करते हैं, ठीक है, तो 2025 मैंने इंटर किया, तो यहाँ पे इसको अगर डिवाइड करेंगे 2024 25 बाई 4, तो ये कट जाएगा 5 टाइम्स में, ठीक है, यहाँ पे 0 लिख देते हैं और ये 6 कट जाएगा, 4 6 24, तो यहाँ पे 1 बच जाएगा, तो रिमाइंडर यहाँ 1, मॉड ऑपरेटर जब भी रिटर्न करता है रिमाइंडर रिटर्न करता है, तो यहाँ पे इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, तो 1 डबल इक्वल टू 0 जो कि कंडीशन फॉल्स है, और ये भी कंडीशन यहाँ पे है, और 2025, तो ये कंडीशन ट्रू है, और ये कंडीशन भी अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये भी कंडीशन फॉल्स होगा। तो यहाँ फॉल्स देखिए ट्रू एंड फॉल्स, ये वैल्यू तो ट्रू है, अगर यहाँ पे फॉल्स एंड ट्रू, तो एंड ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, फॉल्स एंड ट्रू, वैल्यू फॉल्स आएगा, तो इसका वैल्यू ये फॉल्स आ रहा है, तो ये इफ के अंदर ना जाके एल्स पार्ट में जाएगा। तो यहाँ पे एल्स पार्ट में किया, तो मैंने इंटर किया 2025, तो यहाँ आउटपुट डिस्प्ले करेगा 2025 नॉट, उसके बाद कंट्रोल यहाँ पे रिटर्न 1 आएगा, तो ये प्रोसेस 1 रिटर्न करेगा, उसके बाद ये मेन फंक्शन से बाहर चला जाएगा। तो इस तरह से हम चेक करते हैं कि कोई ना कोई ईयर लीप है या नहीं।
यहाँ पे लॉजिक ये है कि मॉड 4 मॉडुलस ऑपरेटर जिसमें हम 4 से डिवाइड करते हैं और इसके बाद यहाँ पे 100 से भी डिवाइड करते हैं और मॉड ऑपरेटर जब भी रिटर्न करता है ये रिमाइंडर रिटर्न करता है। तो ये था लीप ईयर प्रोग्रामिंग के बारे में। तो आज की वीडियो में इतना ही, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।